Hello friends, we will continue probability distribution exercise 8.1 ka question number 4. So question number 4, find the probability distribution of, isme teen question diye hue hain. What is first one here? The number of heads in two tosses of a coin. जब दो कॉइन टॉस होगा तो नंबर ऑफ हेड के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड में क्या बोलता है, नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तीन कॉइन टॉस हो गए, नंबर ऑफ टेल्स के लिए क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेस ऑफ अ कॉइन. यहाँ पे चार कॉइन टॉस होंगे और नंबर ऑफ हेड के लिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देखा जाएगा तो तीनों क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे टॉसिंग कॉइन जो है 2, 3 and 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो स्टार्ट विद फर्स्ट वन हियर. फर्स्ट में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो कॉइन टॉस हो रहा है. ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉसेस हियर, नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमें काम करना है. तो पहले यहाँ पे हम दो कॉइन टॉस कर लेते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस. तो बच्चों दो कॉइन टॉस होगा तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, एच 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 टी टी एच टी. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसके लिए, नंबर ऑफ हेड्स के लिए. तो यहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स होगा. यहां पे हम बोलेंगे लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, तो देयरफॉर व्हाट इज द रेंज हियर, हमें एक्स क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स. अब देखिए जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड की बात हो रही है, हमारे पास ये सैंपल स्पेस दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है, टू है, इसमें वन, इसमें वन, इसमें जीरो. तो देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2, 1, 0 मिल रहा है. तो इसका रेंज क्या जाएगा बच्चों, 0, 1, 2 हो जाएगा. ठीक है, वंस यू गेट रैंडम वेरिएबल तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ध्यान देना बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड करना है. वो रैंडम वेरिएबल कहां से मिलेगा आपको, सैंपल स्पेस से मिल जाएगा. सो नाउ सी हियर, नाउ वी विल सी हियर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे. सो प्रिपेयर टेबल, यहाँ पे हम x बोलने वाले हैं और यहाँ पे हम p ऑफ x बोलेंगे. ठीक है, तो x हमारे पास क्या दिया है, 0, 1, 2 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम 0 बोलेंगे, देन से 1, देन ईयर 2. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जीरो दिया हुआ है किसके लिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स के हमारे पास नंबर ऑफ हेड दिया हुआ है. तो जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 0 है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, ये जो जीरो के लिए है, नंबर ऑफ हेड हमारे पास ऐसा क्या है, जीरो कितनी बार आया, 1 बार आया, तो आउट ऑफ व्हाट, 4. तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, हमारे पास ये 1/4 हो जाएगा. बराबर, अब ये 1 के लिए नंबर ऑफ हेड 1 कितनी बार आया, एक इसमें है और एक इसमें है, कितनी हो गई, 2 आउट ऑफ 4. तो यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों, 2/4, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं. ठीक है, 2 के लिए नंबर ऑफ हेड दोनों बार आया हो, वो ऐसी कितनी संख्या यहाँ पे, 1 है. तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, 1/4. सो दिस इज व्हाट आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, x इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारा काम इजी है. ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमारे पास दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन. नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो यहाँ पे हमें तीन कॉइन के लिए काम करना है यहाँ पे. तो सेकेंड में हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, 3 कॉइन्स आर टॉस. सो व्हाट इज सैंपल स्पेस हियर, एच 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 एस टी एच एच टी टी. ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टी एच एच
टी देन TTH then TTT. So what is n of s here? Will be 8. n of s का जगह बच्चों यहाँ पे 8 हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. किसके लिए? नंबर ऑफ टेल के लिए. नंबर ऑफ टेल्स के लिए यहाँ पे फाइंड करना है. यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ टेल्स देयर फोर एक्स इक्वल टू. अब यहां पे हमें देखना है कि नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है. यहां पे देखिए, फर्स्ट टाइम हमारे पास नंबर ऑफ टेल कितना है? कुछ है क्या यहां पे? नहीं है. यहां पे हम क्या बोल देंगे? जीरो. यहां पे नंबर ऑफ टेल कितना है? वन. यहां पे नंबर ऑफ टेल कितना है? वन. बट ऑलरेडी हमने वन लिखा है यहां पे, तो रिपीट नहीं करना है. यहां पे नंबर ऑफ टेल कितना है? टू. यहां पे हम क्या बोलेंगे? टू. यहां पे नंबर ऑफ टेल कितना है? वन. ऑलरेडी वन हमने यूज किया हुआ है. यहां पे नंबर ऑफ टेल कितना है? टू. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टू. बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है. नंबर ऑफ टेल कितना है? टू. बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो नहीं लिखना यहाँ पे. नंबर ऑफ टेल कितना है? थ्री. यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? थ्री बोल देंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर एक्स. एक्स इज व्हाट रेंज हियर फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो वन टू थ्री, ठीक है. अब इस एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करेंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है. ओके, now we'll see here. Therefore, probability distribution for x, तो यहां पे x आएगा बच्चों, और यहां पे p of x आ जाएगा. हमारे पास x का मतलब था बच्चों यहां पे 0, 1, 2 and 3, ठीक है. Now what we will find here? Probability. जीरो के लिए probability find करनी है, वन के लिए find करना है, टू के लिए find करना है, थ्री के लिए find करना है. This is what number of tails. Number of tails. अब जीरो बार, जीरो कितनी बार आया हुआ है वो देखना है हमें, वन कितनी बार आया है वो देखना है हमें, टू कितनी बार आया हुआ वो देखना है हमें, और थ्री कितनी बार आया है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है. See, in look at here in simple space, n of s कितना हमारे पास 8 दिया हुआ है. अब यहाँ पे हमें जीरो के लिए काम करना है. जीरो means what? ऐसी कितनी बार यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास टेल हो ही ना, जैसे यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? वन. इसमें क्या है? नंबर ऑफ टेल्स इसमें है वन, टू, ठीक है, थ्री, बराबर है. तो नंबर ऑफ टेल जो है एक बार दिखाई दे रहा है. ऐसी कितनी बार दिखाई दे रहा है? इसमें वन है, ये वन है, और ये वन है, तो यहाँ पे कितने हो गए? तीन. एक के लिए कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? तीन मिल रहे हैं, ठीक है. उसी तरीके से हमारे पास दो के लिए, टू के लिए, इसमें टू नहीं, इसमें इसमें टू है, ये टू हो गया, ये टू हो गया, और ये टू हो गया, तो यहाँ पे भी टू के लिए कितने दिखाई दे रहे हैं? तीन दिखाई दे रहे हैं, बराबर है. और जो ऑल थ्री टेल है वो कितनी बार यहाँ पे है? वन टाइम है. मतलब नहीं दिखने की संख्या, नहीं दिखने का संख्या क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे? वन दिख रहा है यहाँ पे. और वन टाइम कितनी बार दिखाई दे रहा है? थ्री बार दिखाई दे रहा है. टू टाइम कितनी बार दिखाई दे रहा है? थ्री बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे. और ऑल थ्री कितनी बार दिखाई दे रहा है? एक बार दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो यहां से फिर हम क्या करेंगे? टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं. x इक्वल टू जीरो है. जीरो कितनी बार आया बच्चों यहाँ पे? वन आउट ऑफ एट. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वन कितनी बार आया था बच्चों? थ्री टाइम्स आया था, सो थ्री बाई एट. टू कितनी बार आया था? थ्री बाई एट. और ऑल थ्री कितनी बार है? वन, वन बाई एट. सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x, जीरो वन टू थ्री, ठीक है. और एक बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, आप कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करते हो, जो भी वैल्यू मिलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, बच्चों ध्यान देना, टेबल कंप्लीट करने के बाद ये आपके लिए यहाँ पे जस्ट ओरली चेक कर सकते हो कि इन चारों का टोटल वन होना ही चाहिए. अगर वन नहीं है मीन्स वॉट वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अगर वन है तब हम वहां पे राइट है. जैसे देखिए आप, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर को ऐड करेंगे तो वन प्लस थ्री फोर, प्लस थ्री सेवन, प्लस वन एट. सो एट बाई एट इज वॉट वन. मतलब यहाँ पे हम करेक्ट है. इसी तरीके से किसी भी सम्स के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे यहाँ पे, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए? वन होना ही चाहिए. अगर वो पीएमएफ है, अगर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इन सबका टोटल क्या है? वन है, क्लियर. चलिए अब इसका सब क्वेश्चन थर्ड में चलते हैं. यहाँ पे थर्ड में क्या बोल रहा है अपने को यहाँ पे बच्चों, कि फोर टॉसेस के लिए थर्ड में क्या बोलता है? नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेस ऑफ अ कॉइन. चार टॉस हो रहा है यहाँ पे,
और किसके लिए काम करना है, नंबर ऑफ हेड के लिए काम करना है। सो लेट्स सी हियर, फोर कॉइंस आर टॉस, फर्स्ट वी विल राइट हियर सिंपल स्पेस, व्हाट इज सिंपल स्पेस हियर, एच 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 एच, फिर यहां बोलेंगे एच एच टी, देन एच एच टी एच, देन एच टी एच, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, फिर यहां पे बोल देते हैं हम एच एच टी टी, देन एच टी टी एच, देन एच टी एच टी, बराबर है। उसके बाद आ जाएगा बच्चों एच टी टी, ठीक है। नाउ सेम फॉर टेल के लिए करते हैं, यहां पे हम टी 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 एच टी टी एच टी टी एच टी 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 एच एच टी एच एच टी टी एच टी एच, ठीक है। एंड लास्ट इज व्हाट टी एच एच एच, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। कितने कॉइन के लिए, फोर कॉइन्स के लिए। तो यहां से हमें एन ऑफ एस क्या मिल जाएगा बच्चों, एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट 16। ओके, ये हमारा एन ऑफ एस हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ हेड के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। सो विल से हियर लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों आपके हिसाब से, देखो चार कॉइन टॉस हो रही है, हमें नंबर ऑफ हेड लेना है यहाँ पे, चार कॉइन टॉस हो रही है, नंबर ऑफ हेड लेना है। हो सकता है वो हेड किसी में भी ना आए, मतलब वो जीरो हो सकता है, हो सकता है वो सब में आ जाए, मतलब वो क्या जाएगा फोर हो जाएगा, या तो फिर हो सकता है वन में आए, किसी टू में आए, या फिर वो थ्री में आए, मतलब जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री फोर, चार पॉइंट टॉस कर रहे हैं, या तो एक में भी नहीं आएगा तो जीरो, या तो सब में आएगा तो वो फोर हो जाएगा। तो जीरो से लेकर फोर का रेंज आएगा, फिर बीच में क्या है बच्चों वहां पे वन टू थ्री भी बोल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट जीरो टू फोर रेंज, वन टू थ्री फोर हो जाएगा। काउंटेबल नंबर डिस्क्रीट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें काउंटिंग नंबर मिलेगा, बराबर है, जीरो वन टू थ्री फोर हो जाएगा। अब यहां इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो विल से हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स बोलेंगे और यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं, पी ऑफ एक्स बोलने वाले हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर, क्लियर। चलिए नंबर ऑफ हेड्स, एक्स के हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स दिया है यहाँ पे, तो हम इस सैंपल स्पेस से क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास सैंपल कितना है, 16 दिया हुआ है, तो हम जीरो के पास जाते हैं, हेड जीरो, मतलब ऐसा कितना हमारे पास हेड जीरो के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हेड जीरो बार, मतलब ऐसे कितने बार आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे तो हमें एक ही बार मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे 1/16 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है वन के लिए नंबर ऑफ हेड वन टाइम कितनी बार आया हुआ है, तीन है, टू है, टू है, टू है, यहाँ पे वन है, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो कितना मिला बच्चों हमें यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, ये आ जाएगा बच्चों 4/16, इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब टू के लिए देखना है, टू हेड कितनी बार आया हुआ है, इसमें भी नहीं, नहीं, नो, नो, यस, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, ठीक है जगह बच्चों 6/16, वी कैन से 2 3 2 8 3/8। नाउ वी हैव टू सीन थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स देखना है यहाँ पे, नो दिस इज व्हाट, वन टाइम,
टू टाइम थ्री, नो 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 फोर, एक आ जाएगा बच्चों 4 बाई 16 और वी कैन से 1 बाई 4। ऑल फोर में कितना बच्चों हमारे पास, 1 दिया यहाँ पे, ठीक है, कितना बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 है, एक आ जाएगा बच्चों 1 बाई 16 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ था, हमें यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड नहीं आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 है 1 ऑफ 16। नंबर ऑफ 1, ये 1 हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आउट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जितने भी आते हैं यहाँ पे हम इसको लिखते आते हैं, ठीक है, विल राइट हियर। नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें क्या करना है, जस्ट ओनली चेकआउट करना है कि हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पांच प्रोबेबिलिटी मिल रही है, पांचों का टोटल यहाँ पे क्या 1 मिल रहा है क्या, इफ यू आर गेटिंग 1 मीन्स व्हाट यू आर राइट देयर। जैसे देखो यहाँ पे 1 बाई 16, 4 बाई 16, 6 बाई 16, 4 बाई 16, 1 बाई 16, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो यहाँ पे, तो ये 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, प्लस 4 15, प्लस 1 16, 16 बाई 16 इज इक्वल टू व्हाट 1, मतलब हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई इफ सक्सेसेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए फाइंड करना है, नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए फाइंड करना है, वो सक्सेसेस क्या है बच्चों यहाँ पे, डिफाइंड एज अ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। बट किसके लिए, टू टॉसेस ऑफ अ डाई, दो डाई यहाँ पे टॉस हो रहा है, दो डाई यहाँ पे टॉस हो रहा है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे दो डाई टॉस हो रहा है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ग्रेटर देन 4 देखना है, क्या देखना है, ग्रेटर देन 4, तो दो जब हम डाई टॉस करेंगे तो हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 4 किस में आने के चांसेस है, हो सकता है दोनों में ना आए, फॉर एग्जाम्पल 1 1, तो 1 भी लेस है 4 से, 1 भी लेस है 4 से, तो दोनों में नहीं आने के चांसेस है, हो सकता है दो के दोनों में आए, फॉर एग्जाम्पल 6 6, ठीक है, तो 6 भी 4 से मोर है और 6 भी यहाँ पे भी क्या है 4 से मोर है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या चांसेस हो रहा है बच्चों, नहीं आने के लिए भी हो सकता है क्या 0, अगर हो सकता है दो के दोनों में आए 2, तो मिनिमम 0 हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 2 हो गया, थोड़ी तो रेंज ये 0 से लेकर 2, तो बीच का नंबर वहां पे हम ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं, तो 0 1 2 हो जाएगा, मतलब दो के दोनों में ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 4 हो सकता है, दो के दोनों में ग्रेटर देन 4 नहीं भी हो सकता है दोनों में से किसी एक के पास हो जाए, बराबर है। इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट हियर, सो से हियर व्हाट, टू डाइस आर थ्रोन, तो हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, सो फर्स्ट राइट सैंपल स्पेस, सो दिस इज व्हाट आवर सैंपल स्पेस, वी नो दैट व्हाट इज एन ऑफ एस हियर 36, टू डाइस आर थ्रोन, एन ऑफ एस इज व्हाट हियर 36, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स लेना है, व्हाट इज एक्स हियर, नंबर ग्रेटर देन 4, सो लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे एक्स इज व्हाट हियर, नंबर ग्रेटर देन 4, तो हमारे पास दो डाइज है ग्रेटर देन नंबर 4, दोनों में भी आ सकते हैं, दोनों में भी नहीं आ सकते हैं, या तो किसी एक में आ सकते हैं, बराबर है ना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 0 1 2, 0 1 2, ये हो गया हमारा x, दिस इज अ रेंज 0 1 2, दो डाइज है ग्रेटर देन 4 आने के चांसेस पूछ रहा है यहाँ पे, दोनों में आ सकते हैं, दोनों में भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो नहीं आने के चांसेस 0, मैक्सिमम चांसेस दोनों में आएंगे तो 2, तो 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा, तो 0 1 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना बच्चों यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो x क्या हमारे पास यहाँ पे 0 1 2 है, 0 1 2, फिर यहां पे क्या आएगा, p ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चों, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, 0 के लिए, मतलब क्या ग्रेटर देन 4 नहीं आने के नंबर कितने होंगे बच्चों, ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है,
इसमें आ रहा है क्या किसी में, दोनों में नहीं, जीरो है जिसमें दोनों में नहीं आता रहेगा, दोनों में नहीं आता रहेगा, वन इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन फोर हो गया, बट हमें क्या चाहिए, जीरो, मतलब जिसमें ना आता हो, ये फोर है यहाँ, हमें ग्रेटर देन फोर की बात करनी है। ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हम कहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दिस इज द नंबर, ठीक है। इस नंबर में देखोगे तो आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिखाई देगा जो ग्रेटर देन फोर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 4 4 16, ये ऐसे नंबर है जिसमें क्या है ग्रेटर देन फोर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऐसे मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं, तो ये क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास 16 अपॉन 36, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4/9। अब हमें 1 के लिए देखना है, मतलब ऐसा देखना है हमें यहाँ पे कि जहां पे नंबर क्या हो ग्रेटर देन 4 हो बट एक ही बार हो, किसी एक में हो, जैसे देखिए इसमें है यहाँ पे है, क्लियर है, ग्रेटर देन 4 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, देखो एक तो ये मिलने वाला है, ये मिलेगा, इसके बाद हमें यहाँ पे ये मिलेगा, इन दोनों बॉक्स में देखेंगे हम तो हमारे पास दोनों में से किसी एक के पास जो है वो क्या है ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पे 5 है 5 है 5 है 5 है, इसमें 6 है 6 है 6 6, यहाँ पे देखिए 5 6 5 6 5 6 5 6 है यहाँ पे, बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 4 एक बार आने के कितने नंबर, यहाँ पे ये 8 हो गए और ये भी 8 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों 16। तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा हमें 16 आउट ऑफ 36 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या हमारे पास 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है ग्रेटर देन 4 हो बट 2 के दोनों में हो, तो ऐसे किसने दिखाई दे रहे आपको यहाँ पे, लास्ट के दिख रहे 4 दिख रहे यहाँ पे, 2 के दोनों में क्या है मोर देन 4 दिखाई दे रहे यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा आउट ऑफ व्हाट 36, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे 4 अपॉन 36, ठीक है। तीसरे हम क्या बोल सकते हैं 1/9, क्लियर है। अब ये हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट 0 1 2, ये 0 1 2 कहां से मिला बच्चों, यहाँ पे दो टॉस में ग्रेटर देन 4 मिलने के चांसेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं हुआ तो 0, मैक्सिमम कितना आएगा 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 ही टॉस है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब अगर आप इसको ओरली प्लस करोगे तो यहाँ पे हमें इक्वल टू 1 मिलने वाला है, 16/36 16/36 इज अ 32/36, 32 + 4 = 36, 36/36 व्हाट इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। यहाँ पे देखिए मेरे पास 30 बल्ब दिया हुआ है जिसमें से हमें 4 बल्ब ड्रॉ करना है, ठीक है। बट इस 30 बल्ब में हमारे पास 6 क्या है 6 डिफेक्टिव बल्ब है, अगर 30 में से 6 डिफेक्टिव है तो 24 क्या हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो जाएंगे, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए फाइंड करना है, एक्स के लिए ना, तो व्हाट इज एक्स हियर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब देखा जाएगा तो हमारे पास 6 डिफेक्टिव बल्ब है, बट हमें क्या करना है डिफेक्टिव बल्ब मतलब ऐसे ये जो 4 बल्ब निकालने हैं ना उसमें से हमें क्या करना है डिफेक्टिव बल्ब लेना है, हो सकता है वो 4 के 4 डिफेक्टिव हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब एक भी नहीं होगा तो क्या होगा 0, अगर 4 के 4 होंगे तो 4, तो 0 से 4 का रेंज आएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 1 2 3 4 हो जाएगा, 6 डिफेक्टिव दिया है बट निकालना 4 ही है तो हमें 4 पे फोकस करना है, बराबर है। स्टार्ट ईयर तो हमें क्या करना है पे 4 बल्ब निकालना है, सो विल से ईयर फर्स्ट व्हाट 4 बल्ब आर ड्रॉन फ्रॉम 30 बल्ब, तो हमारा एन ऑफ एस का जाएगा बच्चों 30 में से 4 निकालना है, 30 में से कितना निकालना है 4, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 30C4, क्या बोलेंगे यहाँ पे 30C4 बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास बल्ब कितने हैं 30,
डिफेक्टिव कितने हैं 6, सो इट इज नॉट डिफेक्टिव 24. सी हियर, नाउ टोटल बल्ब इज व्हाट 30, बराबर है. डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट 6, सो देयरफॉर नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट 24. ओके, चलिए अब क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब के लिए फाइंड करना है. सो विल से हियर लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे बच्चों यहां पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. तो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब क्या हो सकते हैं बच्चों, 4 बल्ब रिमूव करना है, ठीक है, 4 बल्ब रिमूव करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोलता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. तो हो सकता है 4 के 4 डिफेक्टिव हो सकता है 4 के 4 डिफेक्टिव ना भी हो. तो यहाँ पे हमारा मिनिमम क्या जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4. सो इट इज एक्स हियर 0, 1, 2, 3, 4 डिफेक्टिव बल्ब बोल रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, 4 बल्ब रिमूव करनी है, ठीक है, हो सकता है 4 के 4 डिफेक्टिव हो या नहीं भी हो सकता है. तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 4, 0 से 4 जाएगा, सो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा. क्लियर. अब इस एक्स की वैल्यू के लिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों. जैसे तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 0 के लिए मैं, फॉर एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे क्या मिलेगी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ 0 मिलेगा. अब पी ऑफ 0 फाइंड करना है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब भी है नॉन डिफेक्टिव बल्ब भी है, बराबर है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना है, यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब के लिए. यहाँ पे जैसा कि देखो यहाँ पे अगर मेरे पास अभी x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, 0 डिफेक्टिव. x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, 0 डिफेक्टिव, मतलब उसमें डिफेक्टिव है ही नहीं, बट फिर भी मुझे 4 बल्ब रिमूव करना है. जब उसमें डिफेक्टिव है ही नहीं तो 4 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे, बराबर है, नॉन डिफेक्टिव होंगे. बट हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 24 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, क्लियर है, और 6 क्या हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से लिखने वाले हैं यहाँ पे, पी ऑफ 0 के लिए 0 इज व्हाट हियर डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब हमारे पास एक भी डिफेक्टिव नहीं है. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 6C0 इंटू, तो वो अगर डिफेक्टिव नहीं है तो चारों क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे. तो नॉन डिफेक्टिव कहाँ से आने वाले हैं, 24 से आएंगे. ये क्या जाएगा बच्चों, 24C4 एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30C4, ठीक है. अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चों, बाय यूजिंग एनसीआर फॉर्मूला, एनसीआर, यू नो व्हाट इज एनसीआर, हियर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अप इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ट्राई टू सॉल्व हियर. यहाँ पे ये मुझे क्या मिल जाएगा, 6C0 इज अ 1 इंटू, ये क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, 24, 23, 22 into 21, एंड देन इसको डिवाइड करेगा, किसको, डिवाइडेड बाय 4, 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है, एंड देन होल डिवाइडेड बाय 30C4 का मतलब क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, 30 into 29 into 28 into 27 डिवाइडेड बाय 1 into 2 into 3 into 4. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट, क्लियर. अब यहाँ से देखिए, ये 1, 2, 3, 4 कैंसिल, ये 1, 2, 3, 4 कैंसिल हो जाएगा. बच्चा क्या हमारे पास 24, 23, 22, 21, यहाँ पे 30, 29, 28, 27. अब इनको सॉल्व करने के बाद, कैंसिलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ये अभी आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये 3542/9135 आफ्टर कैंसलेशन, ठीक है. इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 506/1305 हो जाएगा. तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, मतलब अगर वहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब नहीं होंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, 506/1305. नेक्स्ट इज व्हाट, x इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करते हैं. अभी x इक्वल टू 1 के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, फॉर x इक्वल टू 1,
सो पी ऑफ वन एक्स इक्वल टू वन मतलब एक डिफेक्टिव होगा, एक डिफेक्टिव होगा, अपने को चार बल्ब रिमूव करना है तो एक डिफेक्टिव होगा ही होगा वहां पे, तो बाकी तीन क्या होंगे नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे हम बोलने वाले क्या, सिक्स सी वन इंटू 24C3 अपॉन 30C4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें यहाँ पे बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमें ये दिस इज व्हाट 6 इंटू ये होगा हमारे पास 24 23 22 अपॉन हम 24C3 को एक्सपांड कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 30C4 30 29 28 27 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ये 1 2 3 ये 1 2 3 कैंसिल, बाकी जो बच रहे हैं यहाँ पे आप इसको कैंसिल करके मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बच्चों 4048 अपॉन 9135, ये हो गया हमारा P1 का वैल्यू, ठीक है। नाउ टू के लिए फॉर एक्स इक्वल टू टू सो डिस पी ऑफ टू, दो डिफेक्टिव होंगे तो डिफेक्टिव कहां से आएगा, सिक्स में से आएगा, सिक्स सी टू तो दो, बाकी दो कहां से आएंगे 24 से आएंगे डिवाइडेड बाय 30C4, क्लियर। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास 6 × 5 अपॉन 1 × 2, इसको किया तो 24 × 23 अपॉन 1 × 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 30 29 28 27 अपॉन 1 2 3 4। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से ये क्या मिल जाएगा बच्चों 1380 अपॉन 9135, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड किया यहाँ पे ये हो जाएगा मुझे 92 अपॉन 609, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब x इक्वल टू 3 के पास आते हैं हम, x इक्वल टू 3 के लिए फॉर x इक्वल टू 3 पी ऑफ 3, 3 डिफेक्टिव बल्ब होगा तो एक नॉन डिफेक्टिव होगा, 6C3 × 24C1 अपॉन 30C4, बराबर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 160 अपॉन 9135, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई किया तो मुझे यहाँ से पी ऑफ 3 का वैल्यू मिल जाएगा 32 अपॉन 1827, ठीक है। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 4 के लिए, फॉर x इक्वल टू 4 सो पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 6C4 × 24C0, अब चार के चारों डिफेक्टिव हो गए तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा 0 होगा तो यहां पे हो जाएगा 30C4, बराबर। अब इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेता हूं यहां पे तो मुझे यहां पे इसका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों 5 अपॉन 9135, इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा पी ऑफ 4 इज व्हाट 1 अपॉन 827। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, सो विल से हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, तो अपने पास x क्या है बच्चों यहाँ पे x इज व्हाट हियर 0 1 2 3 4, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा p ऑफ x मिलेगा, ठीक है। अब p ऑफ x क्या मिला हमने, हमने सॉल्व किया हुआ है, सो व्हाट इज द p ऑफ x हियर, x इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या वैल्यू मिली थी बच्चों 5 0 6 अपॉन 1305, x इक्वल टू 1 के लिए 4048 अपॉन 9135, x इक्वल टू 2 के लिए 92 अपॉन 609, 3 के लिए 32 अपॉन 1813।
टू सेवन, एंड फाइनली फोर के लिए वन अपॉन 1827। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्वेश्चन नंबर सेवन, अ कॉइन इज बेस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस। दो टॉस में नंबर ऑफ टेल के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट उसके लिए दिया क्या हमारे पास? अ कॉइन इज बेस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब यहाँ पे जो हेड होगा वो 3 टाइम्स होगा। किसका 3 टाइम्स होगा? टेल का। टेल क्या आ रहा है हमें नहीं मालूम है, बट जो भी टेल आएगा उसका 3 टाइम्स क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। बराबर है? ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कॉइन को 4 बार टॉस करना पड़ेगा। ठीक है, कॉइन को कितनी बार टॉस करना पड़ेगा? 4 बार। क्योंकि देखो, अगर 4 बार टॉस करता हूं मैं यहाँ पे, 4 टाइम्स अगर मैं टॉस करूंगा, तो अगर उसमें से मुझे 3 हेड मिलता है तो एक क्या मिल सकता है बच्चों? टेल मिल सकता है। बराबर है? ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या बोल रहा है? हेड जो है वो क्या होगा? टेल का 3 टाइम्स होगा। अगर टेल मुझे 1 टाइम आता है तो सीधी सी बात है हेड क्या हो जाएगा? 3 × 1 इज अ 3, इज अ 3 हेड हो जाएगा। मीन्स वॉट? यहाँ पे हमें 4 टाइम्स कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। क्लियर है? सो स्टार्ट ईयर, विल से फर्स्ट ईयर हेड इज हियर, हेड इज 3 टाइम्स इज लाइकली टू ऑकर एज टेल्स। ठीक है, 3 टाइम्स इज वॉट? हेड ऑफ वॉट? टेल्स। मीन्स वॉट? यहां पर क्या जाएगा? इफ 4 टाइम्स कॉइन इज टॉस, सो 3 टाइम्स देयर विल बी हेड एंड 1 टाइम्स देयर विल बी टेल। कॉइन को 4 बार टॉस करता हूं तो 3 बार हेड आने के चांसेस हो जाएंगे और 1 बार टेल, क्योंकि यहां पे 3 टाइम रखना है मुझे यहां पे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे यहां पे बच्चों क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? हेड की, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर किसके लिए? टेल के लिए। हम यहां पे 4 बार टॉस कर रहे हो, 4 में से 3 तो हमारे पास क्या हो रहा है? हेड हो रहा है, और वो 4 में से 1 क्या हो रहा है हमारे पास? टेल हो रहा है। सो 3, 4 में से 3 कितना है? टेल, हेड है। यहां पे बोल देंगे 3/4, और इसके लिए बोल देंगे 1/4 बोल देंगे। ठीक है, अब चलिए यहां पे, अब हमें किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना है? नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस। तो ये हमारा एक्स होगा। सो विल सी हियर, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस। सो व्हाट इज एक्स हियर? 0, 1, 2। दो कॉइन टॉस हो रहा है तो उसमें टेल आने के क्या चांसेस होंगे? हो सकता है दो की दोनों में आए, हो सकता है दोनों में ना आए, या तो किसी एक में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू व्हाट? 0, 1, 2। ये हमारा हो जाएगा रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0, 1, 2। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट किसके लिए? x के लिए कर लेता हूँ यहाँ पे, फॉर x इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी बच्चों यहाँ पे? P ऑफ 0 मिलेगा। तो P ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 किसके लिए? नंबर ऑफ टेल के लिए ना, नंबर ऑफ टेल के लिए यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 0 का मतलब नंबर ऑफ टेल। अगर नंबर ऑफ टेल 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोथ हेड। क्या हो जाएगा? बोथ हेड। दो कॉइन में अगर टेल है ही नहीं तो क्या होगा? दो के दोनों क्या होंगे? हेड होंगे। दो के दोनों क्या होंगे? हेड हो जाएंगे। मतलब पी ऑफ एच एच, पी ऑफ एच एच हो जाएगा। तो ये पी ऑफ एच एच का मतलब हो जाएगा पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ एच। ठीक है, पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ एच। पी ऑफ एच का वैल्यू कितना अपने पास?
3/4, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 3/4 × 3/4 विच इज इक्वल टू 9/16, कि हमारा पी ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 9/16, ठीक है। अब इसी तरीके से पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए जाएंगे, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब टेल 1 होना चाहिए, दो कॉइन में टेल 1 होना चाहिए, मतलब या तो एक पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या फिर पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, क्लियर। तो सी हियर सेकंड के लिए, फॉर एक्स इक्वल टू 1 पी ऑफ 1 मीन्स व्हाट, एच टी और टी एच, एच टी और टी एच होगा यहां पे। अब यहां पे और है तो ये प्लस हो जाएगा, पी ऑफ एच टी प्लस पी ऑफ टी एच, अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ टी प्लस पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ एच। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास है 3/4 × 1/4, ये है 1/4 × 3/4, मल्टीप्लाई किया तो 3/16, 3/16, दोनों को प्लस किया तो 6/16, ठीक है। अब नेक्स्ट x का वैल्यू 2 है हमारे पास, फॉर x इक्वल टू 2 वट इज पी ऑफ 2, अब यहां पे पी ऑफ 2 मतलब x का वैल्यू 2 है, मतलब दो की दोनों क्या है टेल है, दो की दोनों क्या है टेल हो गए, यहां पे हेड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा यहां पे, यू विल सी हियर, सो पी ऑफ both tails means what, p of tt means what, p of t, p of t कितना अपने पास 1/4, so this is what 1/16, so p of 2 का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों अपने को, 1/16 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने 1 के लिए 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है, नाउ विल से व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x, उसके बाद यहाँ आएगा पी ऑफ x हो जाएगा, हमारे पास x का था बच्चों 0 था 1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 0 के लिए हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिली थी, यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 था मतलब p of 0 means what there is no tail, तो क्या होगा, दो के दोनों क्या होंगे हेड होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है 9/16, सो राइट हियर 9/16, 1 के लिए क्या मिला था 6/16, 6/16, 2 के लिए क्या मिला है 1/16, ठीक है। तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 16/16 विच इज इक्वल टू व्हाट 1 मिल जाएगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए था, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस में था। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक्स के लिए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स इज व्हाट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज व्हाट k, 2k, 2k, 3k, k² 2k² एंड व्हाट इज यर 7k² + k दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है, क्या पहले तो k का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x के लिए फाइंड करना है, बट x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 होगा। थर्ड में क्या बढ़ता है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 के लिए, मतलब 0 से मोर हो बट 3 से लेस हो। फोर्थ में क्या बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 4 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ हियर, हमारे पास टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। अब टेबल के साथ में क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, मतलब यहाँ पे हमारे पास पीएमएफ है, अगर ये पीएमएफ होगा तो इसकी हर एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और इसका टोटल क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहां पे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पीएमएफ,
पीएमएफ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया है हमारे पास, बराबर है। तो ये पीएमएफ हो गया। अगर ये पीएमएफ है तो हमें जैसा मालूम है कि अगर ये पीएमएफ होता है तो उसके दो कंडीशन होते हैं। पहला क्या होता है कि हर एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। सेकंड क्या होता है कि पूरे की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है, वन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, देयरफोर टोटल बोल देंगे। क्या बोलेंगे टोटल, टोटल x इक्वल टू वन से लेके सेवन तक p ऑफ x क्या होगा, वन होगा ही होगा, बराबर है। तो अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, देयरफोर p ऑफ वन प्लस p ऑफ टू प्लस p ऑफ थ्री p ऑफ फोर p ऑफ फाइव p ऑफ सिक्स p ऑफ सेवन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। सो देयरफोर यहाँ पे प्लस करते हैं के, ये सारी वैल्यू P1 क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, K। P2 कितना आएगा, 2K, देन 2K, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 3K, देन K स्क्वायर, 2K स्क्वायर एंड 7K स्क्वायर प्लस K इज इक्वल टू वन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे, प्लस किया तो क्या मिल जाएगा, k square 2k square 3k square 3 + 7 इज 10k square। दिस इज व्हाट, 10k square प्लस नाउ k, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 1 इज 9। सो दिस इज व्हाट, 9k इज इक्वल टू वन। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको 10k स्क्वायर प्लस 9k ये यहाँ पे आएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हमें दो रूट फाइंड करना है, यहाँ पे 10 - -1 इज व्हाट, -10। सो दो रूट क्या मिलेगा बच्चों, कि उनका मल्टीप्लीकेशन -10 हो, मिडल टर्म इज व्हाट, 9। एक तो होगा 10, दूसरा क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल देंगे 10k स्क्वायर प्लस 10k -1k -1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 10k कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10k प्लस 1, यहां से -1 कॉमन लूंगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहां से बोलेंगे 10k -1, दिस इज व्हाट, k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 10k -1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, फ्रॉम हियर वी विल से k इज इक्वल टू 1/10 और फ्रॉम हियर वी विल से k इज इक्वल टू -1। k की दो वैल्यू मिल गई, एक क्या हो गया 1/10, दूसरा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बट k इज व्हाट, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों, अगर k का वैल्यू हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे जब हम k का वैल्यू माइनस पुट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस में मिल जाएगी। k इज वॉट 1/10 एंड k इज वॉट -1। k का वैल्यू वी कैन नॉट टेक -1। वाई, अगर मैं k का वैल्यू -1 यहाँ पे लाके टेबल में पुट करता हूँ, k का इज वॉट वैल्यू -1, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। अगर ये निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ PMF, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नहीं होगा। बट जब ऑलरेडी ये दिया हुआ है, मतलब शुड बी पॉजिटिव। इसके लिए यहाँ पे हम k का वैल्यू -1 नहीं लेने वाले हैं। सो व्हाट विल से हियर, हियर इज वॉट, k इज इक्वल टू -1 इज not possible। ठीक है, so what is the final value of k, k should be what, 1/10। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/10। ठीक है, अब हम कहां पे जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के पास। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पे, p of x is less than 3। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x का वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 3। अभी देखिए यहाँ पे x हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें x का वैल्यू लेस देन 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे लेस देन 3 क्या आएगा बच्चों, लेस देन से छोटा, 3 से कौन सा छोटा होगा, 2 होगा और ये 1 होगा। मतलब हमें यहाँ पे 1 और 2 के लिए काम करना है। ठीक है, लेस देन 3 बोला है ना, तो लेस देन 3 क्या आएगा, 2-1 आएगा। यहाँ पे देखिए जो x में दिया रहेगा वहां से लेना है, तो 3 से छोटा क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा और 1 आएगा। तो इन दोनों के लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्या बोलते हैं यहाँ पे, p of x is less than 3 के लिए काम करना है।
सेकेंड इज वॉट ईयर, सेकेंड इज पी ऑफ एक्स इज लेस देन थ्री। अब एक्स इज लेस देन थ्री का मतलब क्या मिल गया बच्चों अपने को, यहाँ पे टू आ रहा है और वन आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू, जो भी आ रहा है दोनों को प्लस करना है, सो पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू। ठीक है, अब पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू, हमारे पास पी ऑफ वन क्या है, पी ऑफ टू क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ वन कितना है, के है। वॉट इज पी ऑफ टू, टू के, तो के प्लस टू के इज वॉट, थ्री के, दोनों को प्लस करना है यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे के है और यहाँ पे क्या है, टू के है। ये क्या जाएगा बच्चों, के प्लस टू के, इनको ऐड किया तो क्या जाएगा बच्चों, थ्री के। ठीक है, बट के का वैल्यू क्या है हमारे पास, वन बाई टेन दिया हुआ है, सो विल से वॉट हियर, थ्री बाई टेन, यहाँ पे के इज वॉट, सिंस के इज वॉट, वन बाई टेन, वे हमने पीछे फाइंड आउट किया हुआ था, तो वट इज हियर पी ऑफ एक्स इज लेस देन थ्री, थ्री बाई टेन। ठीक है, नाउ थर्ड, अब थर्ड में क्या बोलता बच्चों, यहाँ पे थर्ड इज वॉट, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, एक्स की वैल्यू क्या बोलता है, मोर देन जीरो बट लेस देन थ्री, एक्स इज वॉट, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन थ्री, मतलब जीरो से थ्री के बीच का वैल्यू है, तो जीरो से थ्री के बीच का क्या वैल्यू आने वाला है, वन आएगा और टू आएगा, क्या आएगा, वन एंड टू आने वाला है, बराबर है। तो वन एंड टू मतलब क्या, वापस सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पी ऑफ जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री, मतलब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, जीरो से लेके थ्री के बीच में क्या नंबर आ रहा है, वन और टू आ रहा है, तो वापस हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू बोलेंगे। ठीक है, पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, के, पी ऑफ टू का वैल्यू कितना था, टू के, दोनों को ऐड किया तो थ्री के, बट के का वैल्यू कितना है, वन बाई टेन, सो दिस शुड बी वॉट, थ्री बाई टेन, सिंस के इज वॉट, वन बाई टेन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन थ्री के लिए वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ, अब फोर्थ में क्या बोल रहा है बच्चों यहां पे हमारे पास, कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसके लिए, एक्स इज ग्रेटर देन फोर के लिए, मतलब वो फोर से ज्यादा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फोर से ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए एक्स हमारे पास क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, मोर देन फोर क्या आएगा बच्चों, फाइव भी आएगा, सिक्स आएगा और सेवन आएगा, तो यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन तीनों को प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 का मीनिंग हो जाएगा p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7। अब 5 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू क्या है, वो हमें टेबल से लेना है यहाँ पे। देखिए 5 के लिए क्या है, k स्क्वायर, 6 के लिए 2k स्क्वायर, 7 के लिए 7k स्क्वायर प्लस k दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, सो दिस इज वॉट, k स्क्वायर दिस इज 2k स्क्वायर, दिस इज 7k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा। अब इसको अगर मैं प्लस करता हूं तो k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर इज 10k स्क्वायर प्लस k, बराबर है। अब यहां पे हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 10 इंटू वन बाय टेन का स्क्वायर प्लस 1 बाय टेन, सिंस k इज वॉट, 1 बाय टेन, बराबर है, इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 इंटू वन बाई हंड्रेड, वन बाई टेन, टेन टेन कैंसिल, तो 10 बचेगा यहाँ पे, सो दिस शुड बी व्हाट, 1 बाई टेन प्लस 1 बाई टेन विच इज इक्वल टू 2 बाई टेन, टू वन जा टू फाइव जा विच इज व्हाट, 1 बाई फाइव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन फोर इज अ 1 बाई फाइव।